नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और चुनावी चाय पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर। और यहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो इस समय चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। यहां पर चुनावी चाय इन लोगों की कैसी है और कैसा माहौल इस समय 2024 का है, वो सब हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले चाचा से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हरिओम शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए जी, क्या चल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर? बढ़िया चल रहा है। ऐसे कैसे बताएंगे आपको? हम बताएंगे नहीं। वोट किसको दे रहे? प्रत्याशी के हिसाब से दिया जाएगा। जो हमारा प्रत्याशी होगा हम उसको देंगे, उनका प्रत्याशी होगा वो उनको देंगे। फुल मस्ती में ऐसे में शर्मा जी। चलिए, तमाम लोग हैं यहाँ, बात कर लेते हैं। आप लोग सब फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं? जी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है साहब, आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले चाय पीते रहिए और चाय की चुस्की लेते रहिए। ये बताइए, हम लोग चुनावी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, इस बार क्या माहौल है यहाँ फतेहपुर सीकरी का? इस समय साहब यूपी में भगवान राम की लहर चल रही है चारों तरफ। भगवान राम के सहारे ही यूपी की नैया पार होगी भाजपा की। अब प्रत्याशी कोई हो, हालांकि प्रत्याशी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मोदी और योगी का चेहरे हैं, उन्हीं चेहरों पर चुनाव हो रहा है। मतलब भाजपा जिंदाबाद, लेकिन चेहरा भले ही कुछ भी हो। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम भरत सिंह है। मैं दियोनारी गाँव का पूर्व प्रधान हूँ। और इस समय बीजेपी की लहर तो ठीक थी, योगी मोदी का कोई खोट नहीं है, लेकिन जो सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, उन लोगों की लापरवाही है। और नेक लापरवाही नहीं है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। तो आपके नज़र में कौन सी पार्टी सही है इस बार? लेकिन बीजेपी सही है, लेकिन इनके सांसद और विधायक गाँव में विकास नहीं कराते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। हाँ, मेरा गांव ओलंडा है। कितना बदला हुआ देख रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? नहीं, बदला बहुत अच्छा हुआ है, विकास भी हो रहा है, अच्छा है जी। और तो क्या मन में क्या बोल दीजिए? मन में जी यही है कि साहब बढ़िया तरह से माहौल, वोट बिगाड़ेंगे नहीं अपना। जहाँ जैसा मोहब्बत अच्छा दिखाई देगा वहीं वोट, जहाँ माहौल जैसा दिखेगा वैसा वोट डाल लेंगे। जी हाँ, सब कुछ बोलेंगे। कैसी लग रही चाय? बहुत बढ़िया। अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है। चाय बढ़िया है। चाय बढ़िया है। और पार्टी बढ़िया है। अच्छा, कौन सी? बीजेपी। सही है भाई साहब, जरा आप खड़े हो जाए जरा थोड़ा सा। क्या लग रहा है इस बार माहौल फतेहपुर सीकरी में? माहौल तो ये है कि देखिए, कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार बीजेपी के जो सांसद हैं, जो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनको दोबारा सीट मिली है, दोबारा टिकट मिली है बीजेपी को। लेकिन कुछ लोग, यानी कि विधायक पुत्र भी उस सीट के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार क्या है कि समर्थक, मतलब अंदर खाने में ये थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा है, लेकिन घर तो परिवार तो एक ही है, तो कुल मिला के जाएगा योगी मोदी जी के वोट बैंक है, तो यानी कि कुल मिला के बीजेपी को ही सारे वोट जाएंगे। अच्छा, और पार्टियों का कोई खाता आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि खाता खुल भी पाएगा। देखिए, यहाँ मैं थोड़े से आपको आंकड़े बता देता हूँ, उसके बाद मैं बातचीत यहाँ करूँगा आपसे, एक सज्जन और हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। कि अगर फतेहपुर सीकरी सीट की बात की जाए, तो 2008 परसीमन के बाद ये बिल्कुल मैदान में आई थी, यानी सामने आई थी। 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ से बसपा ने बाजी मारी, सीमा उपाध्याय यहाँ की सांसद बनी। 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल सांसद बने, और 2019 में राजकुमार चार सांसद बने। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, उन्होंने राजकुमार चार को टिकट दिया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जनता में थोड़ा सा आक्रोश राजकुमार चार के लिए दिखाई दिया कि वो क्षेत्र में नहीं पहुँचे, और जब जब लोगों को ज़रूरत उनकी हुई वो सामने नहीं थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नाराज़गी जो है वो चंद लोगों की नाराज़गी है। आगामी समय में वोट अगर मिलेगा तो भाजपा पर वोट मिलेगा, योगी मोदी पर वोट मिलेगा। 5 विधानसभाएं इस पूरे लोकसभा सीट में आती हैं, और तस्वीर तो आगे चुनाव में हो जाएगा क्लियर। आप बताइए साहब, क्या इस बार लग रहा है आप लोगों को? सर, भाजपा सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है, युवा प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, युवाओं के लिए और किसानों के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा ने सबसे कम युवाओं के बारे में सोचा है, रोजगार के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। सिर्फ विकास की बात करती है, सबका साथ सबका, सिर्फ बात ही बात कर रही है भाजपा। विकास कर धरातल पर नहीं है। अगर नौकरियों की बात करें तो युवा कितने बेरोजगार घूम रहे हैं आज के समय में, उनको नौकरी दी जानी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपको कि भाजपा ने कोई विकास विकास नहीं करा है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। विकास के काम में फतेहपुर सीकरी में रोजगार की बात कर लो, कितनी नौकरी निकाली है आप देख लो 10 साल में,
रोज फौज की नौकरी बिल्कुल खत्म कर दी। रोज हमारे क्षेत्र का युवा ज्यादातर फौज में जाता था, फौज की नौकरी को खत्म कर दिया। भाजपा के खिलाफ हमारे जो क्षेत्र का युवा है उसमें बहुत आक्रोश है। आजकल जनता में असर आक्रोश बहुत ज्यादा है, भाजपा के लिए समर्थन ज्यादा मिलने चला। हमको तो ऐसा लगता है कि भाजपा ही अगली बार हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहें और भाजपा। बिल्कुल, और देखिए जाहिर सी स्पष्ट सी बात है, यहाँ पर तमाम नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी सभी के मुंह से बस यही निकल रहा है कि मजबूरी यही है कि मोदी योगी के सामने सब कुछ फेल है। और इस चुनावी चाय पर चर्चा में ये जरूर सामने आया कि भारतीय जनता की पार्टी को एक बार फिर से फतेहपुर सीकरी के लोग जिता कर गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फतेहपुर सीकरी से विनीत दुबे, न्यूज़ ईस्ट उत्तर प्रदेश।